गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो यार क्वेश्चन आता है कि इतने दिन तक मैंने किया क्या, काफी दिनों से तो मेरे वीडियो आए नहीं है। तो हुआ यार ऐसा, बताता हूँ कि यार शिफ्टिंग करी, शिफ्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा यानी कि मान लो यार फोकस में नहीं रहा, काम भी सारे के सारे इधर से उधर हो गए थे, जगह बदलने के साथ दिमाग भी इधर से उधर हो गया था। तो यार जो एक कॉन्टिन्यूटी बनी थी ना व्लॉग करने की, वो बन नहीं पा रही थी। हर व्लॉग लगता था यार इसमें कंटेंट तो होगा नहीं, और कहीं ना कहीं यार एक और रीज़न था। और यार वो रीज़न था बहुत कम व्यू आना। यार जितना मर्जी कह लो कि यार व्यूज़ को मत देखो, कमेंट्स को मत देखो, आप अपना काम करते रहो, भाई साहब पॉसिबल नहीं हो पाता। कहीं पर ही लिमिट होती है ना यार, जब कम व्यू दिखते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आज ऐसा क्या हुआ कि मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो भाई ऐसा हुआ कि मेरा एक व्लॉग था 5 AM वाला, उस पर अच्छे खासे व्यू आ गए। जैसे ही व्यू आए भाई साहब, भाई तू बोल ले कौए, तू ही कर ले व्लॉग, वैसे ही व्लॉग नहीं होता और ऊपर से तू लग जा। तो यार मैं वही बात कर रहा था ना, उस पर आ गए थोड़े व्यू, और व्यू आने के बाद क्या हुआ भाई साहब, दिल कर गया दोबारा से शूट करने का। तो यार कहीं ना रिजल्ट मैटर करता है। तो यार करने को तो आज भी कुछ खास है नहीं है, घर पे ही हूँ। और सुबह गया था काम पे, थोड़ा काम वाम करके आ गया हूँ, उसके बाद घर आ गया हूँ। कई बार सोचता हूँ यार कंटेंट में ऐसा डिफरेंट क्या लेके आऊँ, पर फिर याद आता है यार मैं तो व्लॉगर हूँ, और व्लॉगर तो सिर्फ अपनी रियल लाइफ दिखाता है। यार आपकी लाइफ मेरी लाइफ आपस में रिलेट करनी चाहिए, और यार असल में तो यही लाइफ है। मैं दिखा दूँ मैं लग्जरी कारें ये वो सच्चा ही नहीं है यार, सच यही लाइफ है, और इसी लाइफ में हमारा कंटेंट है। अगर ऐसा ना होता ना यार, बिग बॉस तो कोई देखता ही ना। सर काफ़ी दिनों से क्या कर रहा था, दिल की ड्रोन फ्लाई करूँ, क्योंकि जब से मैं लद्दाख से आया ना यार ड्रोन पैक पड़ा हुआ है, उसे फ्लाई नहीं किया है। और कहीं ना कहीं यार एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहता हूँ ड्रोन की, जो ड्रोन फ्लाई करते हुए डिस्कस करते हैं। तो यार ड्रोन तो तब उड़ेगा ना जब मिलेगा। और इस शिफ्टिंग के बाद प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, कौन सा सामान कहाँ पड़ा है कुछ नहीं पता भाई। तो यार ड्रोन का आइडिया तो मैं अब पोस्टपोन करता हूँ, फिर उड़ा लेंगे। पर एक ज़रूरी काम है जो काफ़ी टाइम से अटका पड़ा है। मैंने आपको बताया था कि मेरी हिमालयन का जो रेयर टायर है यार पूरी तरह से यार गंजा हो चुका, तो नया टायर मंगा चुका हूँ और आ भी चुका है। लुधियाना में तो नहीं मिला था, तो चंडीगढ़ से मंगवाना पड़ा। थैंक यू नव, नव ने मेरा टायर ला के दिया। तो आज क्या करते हैं, टायर डलवा के आते हैं और आपको बताता हूँ कि अगर कभी हिमालयन आपकी पंचर हो जाती है तो, वैसे तो यार मेरे बस का नहीं है कि मैं उसका टायर ओपन करके पंचर लगाऊं, पर अगर करना पड़े इन केस तो किस तरह से कर सकते हो यार। चलो टायर भी बदलाते हैं और टायर खोलते कैसे हैं ये भी समझते हैं, आओ चले चलो।
अगर होप आपको समझ आया होगा कि टायर कैसे चेंज करना है हिमालयन का, बहुत टफ है यार। कई बार लोग कहते हैं यार आप ये पाना वाना ले लो यार, कभी आप राइड पे जाते हो तो खुद चेंज कर लो। सीरियसली यार, देखने के बाद मुझे तो लगता नहीं है कि मैं अकेला टायर को चेंज कर सकता हूँ या पंचर लगा सकता हूँ। तो यार अगर आपको सही लगा हो, आपको कुछ समझ आया हो, तो यार आपके लिए बढ़िया है। और एक चीज़ और मैं आपसे बात करूँगा यार, आप सभी का दिल यार एक चीज़ का तो करता होगा कि फिट हो गए। फिट से मेरा मतलब है सिक्स पैक ऐप बनना। पर यार हम क्या सोचते हैं कि हम एक कॉमन पर्सन है यार, एक लाइफ है, काम हमारा ऐसा है कि हम टाइम नहीं दे सकते, खाने को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यार सेम मैं भी सोचता हूँ, पर फिर भी दिल करता है कि फिट हो। तो कल से यार मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, व्लॉग वन से शुरू करूँगा। और इसमें मैं कोशिश करने वाला हूँ कि जो भी मेरी रूटीन लाइफ है उसको भी आपको दिखाऊँ, और क्या एक्सरसाइज लगाने वाला हूँ, कौन से सप्लीमेंट लेने वाला हूँ, और किस तरह खाना खाने वाला हूँ, वो सब आपको बताऊँ। तो यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कर दो, क्योंकि तो कल से वीडियो बहुत सही आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अब मिलता हूँ मैं आपको कल। और भाई तो मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि बाय करने का अपने का दिल नहीं करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, क्योंकि तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं भाई, बहुत सारे।